गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पिया लखवाल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो वीडियो है उसमें मैं अपनी मम्मी का मेकओवर करने वाली हूँ। यस गाइस, मुझे आता नहीं है, आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट आई एम गोना ट्राई दिस। मैंने पहले भी सोचा था कि मैं इसमें ट्राई करूँ, अपनी मम्मी का मेकओवर करूँ या किसी का भी करूँ, कोई तो मुझे मिल जाए जिसका मैं मेकओवर करूँ, पर कोई राजी नहीं हो रहा था मुझसे मेकअप करवाने के लिए। पर जैसे जैसे मैंने अपनी मम्मी को मना लिया और आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट मम्मी के साथ। सो या हम बहुत ही कन्विंस करने के बाद, बहुत सारी मिनट करने के बाद मेरी मम्मी कन्विंस हुई है मेकअप करवाने के लिए। सो या जल्दी से उन्हें बुला लेते हैं और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप पहले भी मिल चुके हो मेरी मम्मी को, मेरी और वीडियोस में आप देख चुके हो, मिल चुकी हो। सो यस, हेल्प कर दो यार। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं मेकअप। ओके, सो मेरी मम्मी बहुत लाइट मेकअप करती हैं, लाइट मेकअप प्रेफर करती हैं। पार्टीज में भी जाती हैं, बस सटल मेकअप होता है ना, उनको लाइट वैसे ही रखती है नेचुरल, कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए, नया नया यू नो लुक भी क्रिएट करना चाहिए, देखना चाहिए। सो आज हम ये वाले ट्राई आप पे करने वाले हैं। आपको कॉन्फिडेंस है मेरे मेकअप पे? हाँ। तो मेरे मेकअप पर भरोसा है? हाँ। तो हंस क्यों रहे हो? So, wait, primer से स्टार्ट कर लेते हैं हम। आप थोड़ा सा मेरी तरफ को फेस करके बैठिए, थोड़ा ओके। तो आपने कुछ फेसियल अभी लगा रखे? तो हम सबसे पहले स्किन को प्रेप कर रहे हैं विद प्राइमर। गाइस मेरा प्राइमर इतना अच्छा है ना कि प्राइमर लगाते ही फेस पे एक अलग शाइन आ जाती है, ऐड हो जाती है। देखिए आपको नहीं दिखा, मेरे को आप देख सकते हो गाइस, एक प्राइमर लगाते ही हल्की सी शाइन ऐड हो गई है। ओके नेक्स्ट, तो आई एम गोना अप्लाई फाउंडेशन मेबेलिन का। मेरी मम्मी ना विदाउट मेकअप बैठी हुई है आप लोगों के सामने, तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि मैंने कैसा मेकओवर किया है अपनी मम्मी का, और साथ में ये भी बताना कि इनको ऐसे जो मैं लुक बनाने वाली हूँ उसको यू नो अपने जब भी किसी पार्टी में जाए तो वैसा लुक कैरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप कमेंट करके बताना मुझे, सो दैट इन्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मेकअप करके जाना चाहिए थोड़ा सा। नेक को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नेक को तो अभी हम कर लेंगे, अब हम थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई कर देते हैं। एंड सो आई एम डन विद जो बेस होता है उसपे आई एम डन, ठीक है। बट हम ना यहाँ पे मम्मी को थोड़ा सा कट दे देते हैं। सो या ओके, उधर देखो। ओके सो थोड़ा समय और यहाँ पे जॉ लाइन, ब्लशर लगाएंगे चिक्स पर। अब आई है आंटी की बारी, चलो अब आईब्रोज। ओके सो हमने मम्मी की आईब्रोज थोड़ी सी डार्क करी है। मैंने भी तो थी महिला उसमें आती थी ना बिल्ली। तो आईज पे पहले तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें ब्राउन कलर करना चाहिए थोड़ा बेस। नाउ आई एम गोना
गोना अप्लाई लाइनर हेयर, लगाएंगे इनके लिपस्टिक, लिपस्टिक में लगाऊंगे इनके रेड कलर की। मेकअप डन हो चुका है, अब मैं हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। हेयर स्टाइल के लिए मैं ये यहाँ पे यूज करने वाली हूँ बन बना के, और अब हम डायरेक्ट आपको फाइनल लुक के साथ मिलते हैं। तो गाइस ये मैंने समझा कुछ मेकओवर इस तरह किया है। ये थोड़ा सा जो मेकअप है मैंने लाइट बोला था, बट मैंने लाइट किया नहीं है, ऐसा वाला मेकअप हो गया। हाँ मैंने ऐसे वाला मेकअप किया है कि हाँ किसी यू किसी रिलेटिव की शादी हो, घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई किसी की शादी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये मेकअप किया है। मैंने जो बोला था वैसा मेकअप नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। ये ट्राई करना था मम्मी पे कि कैसा लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा हैवी वाला मेकअप कर दिया है और थोड़ा लुक हैवी वाला रखा है। सो आई होप मम्मी को ये पसंद आ रहा हो। दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे गाइस, और मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा, छोटा सा ये मम्मी का मेकओवर लुक पसंद आया होगा। ओके सो दैट्स ऑल इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये जो एक्सपेरिमेंट था आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है मम्मी का मेकओवर लुक, और तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, मैं मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।